क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,60,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप देखो इसमें दो चीजें पूछी हैं आपसे, क्या चीज? उसने कहा फाइंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको दो चीजें बतानी है। तो लिखेंगे कैसे, आप लिखना सबसे पहले इस तरीके से सॉल्यूशन, और फिर लिखोगे क्या कि क्या पूछा है, अमाउंट। तो लिखना अमाउंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और क्या बताना है, और बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लिखो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या क्या है आपको, तो देखो ये गिवन है, ये क्या चीज है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1,60,000, ठीक है। और ये क्या है, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स। और रेट कितना दे रखा है, रेट है हमारा 10% पर एनम। देखिए इसने हमसे क्या पूछा था, अमाउंट। आप अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये किस केस में होता है, जब अमाउंट कंपाउंडेड ईयरली होता है, लेकिन यहां देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाफ ईयरली। तो जब भी हाफ ईयरली होगा तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, इस एन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और ये जो 100 है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, कब, जब लिखा हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब, हाफ ईयरली के केस में, ठीक है। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला वही रहता। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल ये दे रखा है, तो 160 और 000, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 1 प्लस रेट, रेट कितना दे रखा है, 10 अपॉन 100, और इसकी देखो 2 से मल्टीप्लाई करनी थी, ये वाला 2 यहां पर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर n, n क्या होता है, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, तो देखो टाइम 2 दे रखा है, तो आप 2 रखो, मल्टीप्लाई ये वाला 2 एज इट इज, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं कैलकुलेशन को, ये पूरी, तो मुझे क्या मिलेगा, अमाउंट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। चलो इसको एज इट इज उतार लो, 160 और 000, फिर ब्रैकेट। अब देखो ये 10 है, ये 2 है, 2 10 20, और 21 21 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 21 अपॉन 20, कैसे, 2 10 20, 21 20 प्लस 1 21, और 2 2 4। तो अब देखो क्या करना है आपको, इसको एज इट इज उतार लेना है, मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 को 4 बार लिखना है, क्योंकि पावर 4 है, तो लिखेंगे 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो 2 के टेबल से इसको कट किया 16 को, तो 8 आएगा, 2 के टेबल से इसको कट किया तो 4 आएगा, 2 के टेबल से इसको कट किया तो 2 आएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 21 की मल्टीप्लाई 21 से कर लो, तो मैं यहां करके दिखाता हूं आपको, 21 की मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 1 2 2 4 1 4 4। तो देखो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आया, इसी तरीके से इसकी इससे करूंगा तो भी यही आएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लो फिर, मतलब 4 4 1 की मल्टीप्लाई है, 4 4 1 से कर लो, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आया और इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इस सबसे, तो 1 4 4 क्रॉस 4 1 4,
फोर फोर द 16 की 6 कैरी 1, 4 4 द 16 और 1 17, फिर डबल क्रॉस लगाओ और फिर से वही लिख दो, प्लस कर लो 1 8 6 4 10, 14 की 4 कैरी 1, 14 की 4 कैरी 1, 7 2 9 और 1। तो हमारा कुल मिलाकर ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व होके 194481 आया। ये क्या चीज है हमारा, ये है हमारा अमाउंट। तो उसने हमसे पूछा था अमाउंट क्या है, वो हमें पता चल गया है, वो कितना है, इतना। अब क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है वो अभी निकाला, 194481, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है, और प्रिंसिपल देखो कितना दे रखा है, 1,60,000, 1,60,000। अब आप इसमें से इसे माइनस करो तो क्या आएगा, 1,844 और 3। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना आ गया। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।